इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। बहुत ही खास प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है सब फिल्में हैं। तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ नीना गुप्ता के बारे में। तो नीना गुप्ता के बारे में जो कि अभी ही एक मूवी आई थी बधाई हो, जिसके हीरो थे आयुष्मान खुराना। 15 महीने पहले की बात है, सोशल मीडिया पर मांगा था उन्होंने काम, अब लगा जैकपॉट, लोगों ने कहा बधाई हो। दिल्ली में पली बड़ी नीना गुप्ता सन 1981 में एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई पहुंची। कुछ ही समय बाद उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। इसके बाद जो कुछ होता गया वो किसी रोलर कोस्टर राइडर से कम नहीं था। आयुष्मान खुराना की फिल्म बधाई हो एक बहुत उम्मीद फिल्म बधाई हो एक स्लीपर हिट की तरह बॉक्स ऑफिस पर आई और छा गई। लेकिन स्लीपर हिट क्या होती है, क्या आप जानते हैं? स्लीपर हिट यानी वो फिल्म जिसके हिट होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो झंडे गाड़ देती है। आयुष्मान की पिछली फिल्म अंधाधुन के साथ जो हुआ उसके बाद बधाई हो को लेकर लोगों में खास उत्साह नहीं था। उनकी फिल्म अंधाधुन की तारीफ मिली थी लेकिन दर्शक नहीं मिले थे। इस फिल्म के बारे में भी लोगों ने यह मान लिया था कि हालांकि दूसरी बार अनुमान लोगों का गलत निकला, बधाई हो ने कमाल कर दिया। 5 दिनों में 50 करोड़ पार करके एक ऐसे चेहरे की बदौलत जिन्हें आप स्टार नहीं कर सकते। अगर आप आयुष्मान खुराना के बारे में सोच रहे हैं तो आपका अनुमान गलत है। बधाई हो का पोस्टर याद कीजिए, इस पोस्टर का सबसे बड़ा चेहरा किसका है? आयुष्मान का नहीं, वो चेहरा है नीना गुप्ता का। बॉलीवुड की भीड़ में कहीं खो सी गई नीना गुप्ता इस फिल्म में फ्रेशनेस लेकर आती हैं, जिसकी सख्त जरूरत थी। लंबे समय से मेन स्ट्रीम में माँ का किरदार किरण खेर और सीमा पहवा निभा रहे थे। नीना गुप्ता ने इस मोनोटोनी को ब्रेक किया है और एक गर्भवती अधेड़ महिला की किरदार में उन्होंने जान डाल दी। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और लोग उन्हें बधाई संदेश भेज रहे हैं। लेकिन समय की रफ्तार देखिए कि ये वही नीना गुप्ता है जिन्हें कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर लिखना पड़ा था कि उन्हें काम की जरूरत है। बॉलीवुड की चमक में उनके अपने ही लोग उन्हें भूल गए थे, पर वह वापसी कर चुकी है। एक किस्से से पता चला है कि ये वापसी उनके लिए कितनी जरूरी था। असल जिंदगी में प्रेगनेंसी के वक्त बेहद मुश्किल था, नहीं करना चाहती थी याद उन दिनों की बात, नीना गुप्ता ऐसा बताया उन्होंने। एक हफ्ते पुरानी बात है, फिल्म बधाई हो का प्रमोशन चल रहा था। अहम रोल में 59 साल की नीना गुप्ता, इनके नाम को किसी खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मंडी, जाने दो यारो और वो छोकरी जैसे हिंदी फिल्मों में एक्टिंग के लिए अवार्ड जीत चुके हैं। खानदान, भारत एक खोज, मिर्जा गालिब, गुमराह और शाह जैसी टीवी शोज से घर घर में पहचान पा चुकी हैं। फिर भी फिल्म प्रमोशन के दौरान नीना ऐसे बात करती जैसे किसी नई एक्ट्रेस की पहली फिल्म रिलीज हो रही हो। कोई भी बात कहना होता था तो बड़ी सोच समझ के बात करती थी। इतने ध्यान से रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देती थी जैसे किसी भी तरह कोई चूक ना हो जाए। उनके जवाब देने का अंदाज से लेकर चेहरे की खुशी तक की यह बात छिप नहीं पाती थी। फिल्म उनके लिए बहुत मायने रखते, फिल्म से जुड़े कोई भी अगर इधर उधर के सवाल पूछता तो तुरंत कहती, आप यह सब मत पूछिए, इतने समय बाद मुझे एक अच्छी फिल्म मिली है, ये रिलीज हो रही है, मैं बस इसे लेकर खुश होना चाहती हूँ, कुछ और नहीं सोचती थी। कुछ लोगों ने तनुश्री के बारे में भी पूछा लेकिन उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनको अपने फिल्म को लेकर फिक्र थी। आइए नीना गुप्ता के जिंदगी की शुरुआत और कुछ पुरानी बातों के बारे में गौर करते हैं। शुरुआत होती है दिल्ली से। कुछ ही समय बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। सन 1982 में रमन कौर की फिल्म साथ साथ से नीना गुप्ता ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में नीना सपोर्टिंग रोल भी करती नजर आए। रिचर्ड एटनबरो की गांधी में भी नीना गुप्ता को काम करने का मौका मिला। इसके बाद श्याम बेनेगल की मंडी 1983 में और तिरकाल 1985 में भी नजर आए। जाने भी दो यारों जैसे कमर्शियल फिल्मों में उन्होंने काम करने का मौका मिला। साल 1994 में आई वो छोकरी में विधवा का किरदार निभाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया। लेकिन नीना गुप्ता का फिल्मी करियर उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद उन्होंने टीवी में हाथ आजमाया और यहां उनकी उड़ान को रोकने वाला कोई भी नहीं था। खुद नीना गुप्ता ने यह बात अपने कई इंटरव्यू में कही है कि फिल्मों में उन्हें अच्छे रोल नहीं मिले। उस दौर में सिर्फ स्मिता पाटिल और शबाना आजमी
को मुख्य भूमिका मिलती थी, हमें सेकेंडरी रोल दे दिए जाते थे। इस दौरान नीना गुप्ता की प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल रिलेशनशिप का एंगल भी जुड़ चुका था। 80 के दशक की बात है जब नीना वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। इस रिलेशनशिप के बारे में सबको तब मालूम चला जब नीना बेबी बम्प के साथ नजर आई और उन्होंने सिंगल मदर बनने का फैसला लिया। बिना शादी के मां बनने की बात उस वक्त इस तरह आग की तरफ फैली कि हर तरफ नीना गुप्ता की आलोचना शुरू हो गई। लेकिन अपने फैसले पर अड़े नीना गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ये बहुत मुश्किल था और मैं ऐसा करना चाहती थी, फिर भी मैं सबको कहती हूँ कि ये गलत फैसला था, क्योंकि एक बच्चे को अकेले पालना बहुत मुश्किल होता है। मैं काम करती रही इसलिए शादी भी नहीं कर सकी। मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे एक समझ सकते हैं कि एक जुनून था, एक नशा था, इसलिए मैं ऐसा कर बैठी। मुश्किल वक्त था मगर मैंने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की। मैंने खराब फिल्में भी की क्योंकि मुझे उससे पालने के लिए, अपनी लड़की को पालने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो ये जरूरत ही हो सकती है जो नीना गुप्ता चोली के पीछे क्या है जैसे आइटम नंबर का डांस करती नजर आई। उनकी इस फिल्म में कोई खास भूमिका नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा डांस किया कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ किया। उनकी स्तर के कलाकार अक्सर ऐसे फैसले लेने से बचते हैं, मगर नीना गुप्ता ने फैसले लेने से पहले समाज और नियमों की बजाय अपने दिल और हालात के हिसाब से सोचा। फिर चोली के पीछे भी ऐसे ही बनकर तैयार हुआ कि सिनेमा की पॉपुलर कल्चर हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गया और फिर सबने एक ट्रेंड बन गया। उसके बाद से हर फिल्मों में ऐसे गाने डाले जाने लगे। पिता नहीं है तो क्या हुआ, अकेली माँ भी किसी से कम नहीं है, ऐसा वो अपने बेटी से कहती हैं और अपने बेटी को समझाती। इसके बाद नीना गुप्ता का फिल्मी करियर एकदम से खत्म सा हो गया, मगर टेलीविजन की दुनिया ने उन्हें अपनाए रखा। टेलीविजन की दुनिया में नीना ने जो मील के पत्थर तय किए वो आज भी मिसाल है। फिर चाहे वो दूरदर्शन पर आने वाला शो खानदान 1985 में जो आता, हो श्याम बेनेगल की यात्रा 1986 और भारत एक खोज 1988 हो, या फिर गुलजार मेजा की गालिब 1987, डीडी मेट्रो पर आने वाला गुमराह 1995, इन सभी धारावाहिकों ने नीना गुप्ता को पहचान दी जो उनके स्तर के कलाकार को बहुत पहले मिलने चाहिए थी। नीना गुप्ता साश टीवी शो की एक दृश्य देख रहे हैं। सन 1988 में आए टीवी शो साश में उन्हें वही स्टारडम दिलवाया जो बॉलीवुड से उन्हें मिलता। इस शो में नीना ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, उन्होंने ये शो लिखा भी था और डायरेक्ट भी किया था। वो इस बात को मानती भी हैं कि जो भी हैं सिर्फ टीवी की बदौलत हैं, वरना बॉलीवुड ने तब भी उन्हें भुला दिया था जब उन्हें खास जरूरत थी। इसके बावजूद साल 2017 में एक ऐसी पोस्ट आई जो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी थी। नीना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं मुंबई में रहती हूँ, काम की तलाश में हूँ। नीना गुप्ता की काम वाली पोस्ट पढ़कर कई लोगों को झटका लगा। एक सीनियर कलाकार इस तरह का काम मांगना वाकई में हैरान कर देने वाला था और शायद ही इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक भी था। नीना ने इस पोस्ट को लिखने की वजह बताते हुए कहा था, मैंने पोस्ट इसलिए लिखी थी क्योंकि सभी को ये लगता था कि शादी के बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ, अब काम नहीं करती और इस वजह से लोगों ने मुझे काम देने या मेरे बारे में रोल सोचना भी छोड़ दिया था। ऐसा बार बार हो रहा था, इसलिए मैंने यह पोस्ट लिखी। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब नीना सिंगल मदर के तौर पर पूरी तरह बेटी मसाबा की परवरिश में व्यस्त हो गई थी। वो उस परवरिश के लिए जरूरी सारे काम करती थी। नीना ने मसाबा से कभी उसके पापा के बारे में कुछ नहीं छुपाया। मसाबा जानती थी कि नीना एक सिंगल मदर है और विवियन रिचर्ड्स उनके पापा। मसाबा के साथ नीना की बॉन्डिंग में माँ से ज्यादा दोस्त जैसे हैं। मगर मसाबा बड़े होने लगी और नीना को जिंदगी में फिर अकेलेपन ने जगह बनानी शुरू कर दी। साल 2008 में नीना गुप्ता ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली। दोनों काफी साल से अच्छे दोस्त थे और जब विवेक ने नीना को शादी का प्रस्ताव दिया
तो वो मना नहीं कर सकती। बताया जाता है कि विवेक और नीना की मुलाकात एक फ्लाइट के दौरान हुई थी। विवेक भी अपनी पहली शादी से अलग हो चुके थे और शादी के बाद नीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सभी औरतों से यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप भारत में रहना चाहती हैं तो आपकी शादी जरूर करनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी मसाबा से भी यही कहना है कि जब तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम उसके साथ तब तक रहना शुरू नहीं करोगी जब तक कि वो तुमसे शादी नहीं कर लेता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की इस वजह से बहुत कुछ सहा है और देखा है। सिंगल मदर के तौर पर मसाबा की परवरिश और फिर शादी, इसके बीच नीना का करियर कहीं खोस आ गया, मगर उनके भीतर की अदाकारा वहीं की वहीं है। अपने लिए एक अच्छा रोल का इंतजार करते खड़ी रही और मजबूरी में परेशान होकर नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया की साइट पर काम मांगना पड़ा। इस पोस्ट का नतीजा ये हुआ कि नीना को बेहतरीन रोल्स मिलने शुरू हो गए। अनुभव सिन्हा की मुल्क और बधाई हो जैसी फिल्म इसी पोस्ट का नतीजा है। इतना ही नहीं, अब नीना गुप्ता डिजिटल वर्ल्ड में भी कदम रख चुकी हैं। अब शॉर्ट फिल्म्स के शौकीन तो जैकी श्रॉफ के साथ उन्हें खुजली में देखिए, बेहतरीन अदाकारी का एक और नमूना नजर आएगा। हाँ, बस रह रह कर उन्हें एक ट्विस्ट उठती कि लोग उनके उस कल और उस कुछ और बिन ब्याह माँ बनना याद रखते हैं, लेकिन उन्हें भूल गए और यही वजह है कि नीना गुप्ता अब अपनी शर्तों पर काम करती हैं। अब उनके आने वाली फिल्म में भी शामिल विकास खन्ना की द लाख कलर, अश्वनी अय्यर तिवारी की पंगा और दिवाकर बनर्जी की संदीप और पिंकी फरार में नजर आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हैव अ नाइस डे।